सभी भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम। आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ रविदास मंदिर 600 साल पुराना दिल्ली में तुगलकाबाद में तोड़ा गया प्रशासन के द्वारा। आपको बता दें फिर वहाँ 21 अगस्त को आंदोलन हुआ, वहाँ 96 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये सरकार की, मोदी सरकार की मंशा आपको नजर आती होगी। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं सहारनपुर लेकर आता हूँ, जहाँ सहारनपुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति गुन्ना गांव में टूटी, जिसके बाद वहाँ 750 लोगों पर मुकदमा हुआ। तो योगी सरकार की और मोदी सरकार की यहाँ पर आपको मंशा देखने को नजर आ गई होगी। ऐसा ही मामला निकल कर आया है अब लखनऊ से, जहाँ भगवान वाल्मीकि महाराज का मंदिर था लखनऊ में विश्वविद्यालय प्रांगण में, जहाँ किसी अज्ञात लोगों ने मंदिर को ढा दिया। आपको बता दें जब सुबह तब शहरवासियों को जब पता चला, जब सुबह पूजा अर्चना करने के लिए लोग आए तो पता चला कि वहाँ मंदिर नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुजन समाज के क्यों ही घटना स्थलों ऐसे स्थलों को तोड़ा जा रहा है, जहाँ वो सदियों से अपनी आस्था जमाए रखते हैं और वो उन पर अपनी आस्था रखते हैं। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? ऐसा इसलिए कर रही है, आपको बता दें, क्योंकि 96 साथी दिल्ली में बंद है तिहाड़ जेल में और 700 लोगों पर सहारनपुर में मुकदमा दर्ज है, एक एक साथी पर तीन तीन। अब बहुजन समाज के लोगों के साथ, अब पहले वाल्मीकि समाज अपने साथ आ गया था जहां दिल्ली में तुगलकाबाद में, अब आपको बताने के लिए जा रहा हूं बहुजन समाज के लोगों को, जाटव समाज के लोगों को वाल्मीकि समाज के भाइयों के साथ आना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण समर्थन कर रहे हैं अपना। तो वाल्मीकि महाराज जी हमारे भी महाराज भगवान हैं, तो हमें पूर्ण उनका साथ देना चाहिए और छोटे से लेकर बड़े धरना प्रदर्शन करने चाहिए। आपको बता दें इस पर ट्वीट भी बसपा सूर्य मायावती जी ने कर दिया है और कहा है कि योगी सरकार की मंशा नज़र आती है कि उन्होंने किस प्रकार से मंदिर को ढा दिया जाता है, और क्योंकि बहुजन समाज के मंदिरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें ये बहुजन समाज के युवाओं को जेल में बंद कराना चाहते हैं। जेल में बंद करके ना कोई आंदोलन कर पाएगा अपने हकाधिकार के लिए, ना अपने प्रगति के लिए अपना रास्ता चुन पाएंगे। इस कारण से बहुजन समाज के लोगों को बंद करने के लिए एक अलग ही तरीका अपना रही है सरकार, जिससे उनके उनके स्थलों को तोड़ा जाए, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाए, जिससे वो आहत होकर आंदोलन करें और सरकार उन्हें जेल में डाल दे। ऐसा ही मामला आप देखते रहे होंगे और देखते रहेंगे। बहुजन समाज की ये कट्टर, ये इतनी बड़ी सरकार है कि इन्हें बहुजन समाज से इतनी बड़ी दुश्मनी है। आपको बता दूं मैं कि बहुजन समाज के हर एक युवा को जो IPS की तैयारी कर रहा है, कलेक्टर की, दरोगा की तैयारी कर रहा है, उन्हीं युवाओं पर केस दर्ज हो रहे हैं और उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ इस वीडियो को शेयर करें। लखनऊ में रविदास मंदिर तोड़ा गया है, लखनऊ में वाल्मीकि मंदिर तोड़ा गया, आपको बता दें, जहाँ वाल्मीकि भगवान का बड़ा ही अच्छा मंदिर था और इतना ज़बरदस्त तरीके से असामाजिक तत्वों ने मंदिर तोड़ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो इस वीडियो को यदा से यदा शेयर करें और सभी भाई जाटव भाई और सभी वाल्मीकि भाइयों से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें और मंदिर को दोबारा बनाने के लिए छोटे से लेकर बड़े प्रदर्शन करें और शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करें संविधान के दायरे में रहकर। तो इसी वीडियो को शेयर करें। लखनऊ में वाल्मीकि मंदिर तोड़ दिया गया है, ये खबर बड़ी निकल कर आ रही है सामने, क्योंकि इन्हें बहुजन समाज के लोगों को सरकार को दबाना है, मारना है, पीटना है, जेल में बंद करना है और आगे भविष्य में ऐसे काम ना करें, इस प्रकार से सरकार दबाना चाहती है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।